हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीसी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट है फिनिश करेंगे पूरा। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अप्रोचेस में डिफरेंस था। लाइक अगर कंपेरिजन करें हम लोग गांधी जी और अम्बेडकर जी के का, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर किया था एंड ही फर्मली आर्ग्यूड दैट ही इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही रिप्रेजेंटेड दी अनटचेबल्स बिकॉज दे वर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। ताकि अम्बेडकर जी ने जो है इसमें बोला था कि दे आर जो अनटचेबल्स हैं दे आर दी पार्ट ऑफ दे आर नॉट ऑफ नॉट द पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी बट अ पार्ट अपार्ट सेपरेट इलेक्टोरेट के मांग के पे गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ में बैठ गए थे, जबकि अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स के लिए काफ़ी रूटेड थे। एंड दोनों के कंट्रेरी स्टैंड के वजह से इन दोनों के बीच में 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ एंड जिसमें बाद में अम्बेडकर जी ने लिखा भी था कि द फास्ट ना गांधी जी का जो फास्ट है वॉज दी फाउल एंड फ्लिथी एक्ट वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोहेशन अगेंस्ट दी हेल्पलेस पीपल टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। गांधी जी को डर था कहीं अगर अम्बेडकर जी को डर था कि अगर गांधी जी कहीं डेथ हो गई तो लोग वायलेंट ना हो जाएं अगेंस्ट दी डिप्रेस्ड क्लास पीपल, तो उन्होंने मजबूरी में उन्होंने कम्युनल पैक्ट साइन किया था। फिर हरिजन सेवक संघ जो है ये इट वॉज अ पैटर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाई दी हिंदूज वर्किंग फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स ना। एंड गांधी जी सॉट अनटचेबिलिटी एज अ सिन ऑफ हिंदुइज्म बट नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ हिंदुइज्म और रादर इट इज अ फ्लॉ दैट नीड टू बी करेक्टेड, उनका ये स्टैंड था। और इसमें जो है इट इंक्लूडेड दी प्रोग्रेस ऑफ जो है प्रोग्राम्स फॉर गोइंग टू दी क्लीन अप ऑफ स्लम और एल्कोहलिज्म वेजिटेरियनिज्म ये सब को के लिए फोकस था हरिसंघ सेवक संघ। एंड अम्बेडकर जी का आर्गूमेंट था कि ये जो है अब्रॉड सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन और बेस्ड ऑन लिबर्टी यूज ऑफ पॉलिटिकल फैसिलिटीज ना ऑल अंडर द मैनेजमेंट ऑफ दलित, ये ऐसा होना चाहिए। एंड ही डिड नॉट वॉन्टेड एनी जो है पैटर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर कमेंडेड दैट हरिजन सेवक संघ जो है एक्सक्लूड दलित फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट एंड दे आर नो मोर अ बिगर एंड द मियर रिसिपियंट ऑफ चैरिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कास्ट सिस्टम में जो है गांधी जी वॉज फर्म बिलीवर थे जो वर्णाश्रम धर्म है वर्णाश्रम सिस्टम है धर्म का उसके। एंड दे इन दिस हायरार्की ओनली दे वॉन्टेड टू रिमूव द एक्सट्रीम इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, जबकि अम्बेडकर जी वॉन्टेड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड ही सॉ अनटचेबिलिटी एज अ फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड बिलीव दैट देयर कुड बी नो एलिविएशन अपलिफ्टमेंट एंड रिलीफ फ्रॉम अनटचेबिलिटी ना विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट। और 1934 में थॉरली जो है डिसिल्यूजनड विथ हिंदुइज्म ना, अम्बेडकर ने फिर बाद में कन्वर्जन भी स्टार्ट कर दिया था अपना, बाद में बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। एंड उन्होंने बोला था कि आई वॉज बॉर्न हिंदू एंड आई हैव सफर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनटचेबिलिटी बट आई विल नॉट डाई हिंदू। इंडियाज जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट है गांधी जी वॉन्टेड विलेज जो है सेंट्रल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और प्रमोटेड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड टू अचीव गोल ऑफ सेल्फ सफिशियंट विलेजेस ना, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, जबकि अम्बेडकर जी वॉन्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द एबोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी। और उन्होंने इंसिस्ट किया था दैट इट शुड बी वर्कर फ्रेंडली ना नॉट कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री एंड ही आर्ग्यूड फॉर स्टेट सोशलिज्म। एंड इसके लिए अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया जो है सुप्रीम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ना ये भी इस्टेब्लिश की थी। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के आइडियोलॉजिकल कंपेरिजन की बात करें तो मोड ऑफ ऑपरेशन गांधी जी का ना नॉन वायलेंस था, फर्म बिलीवर थे नॉन वायलेंस के, पीसफुल प्रोटेस्ट मास प्रोटेस्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने वायलेंट मीन्स अडॉप्ट किया था ना लाइक INA। और आइडियोलॉजी में गांधी जी वॉज मोर टूवर्ड्स सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी एंड उन्होंने ट्रस्टीशिप पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर ये प्रमोट किया था, फेवर में थे उसके। बोस वॉज अ कीन फॉलोअर और रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और वो बिलीव करते थे इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन टू एड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर। वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर दोनों का स्टैंड अलग था। गांधी जी जो थे
ये सिंपथाइज करते थे कॉज ऑफ ब्रिटिशर्स के, एंड ही डिड नॉट वॉन्टेड टू जो है एम्बरेस ब्रिटेन इन हिज वार एफर्ट्स, कि सुभाष चंद्र बोस जो है वर्ल्ड वार टू को एज अपॉर्चुनिटी सीख करते थे फॉर इंडिया फ्रीडम, और उसके लिए उन्होंने फासिस्ट फोर्सेस से अप्रोच भी किया था जाके। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है की बात करें, गांधी जी कम्प्लीटली अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जबकि सुभाष चंद्र बोस उनके फेवर में थे, एंड यू बिलीव दैट इट इज द ओनली रूट टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली रूट। पर्सनालिटी जो है, अगर गांधी जी बात करें डीपली रिलीजियस पर्सनालिटी थी, गांधी जो सुभाष चंद्र बोस रेशनल पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। फ्रीडम स्ट्रगल्स में स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज लिबरल कम्युनलिज्म, और ये जो होता है इट इज़ अ बिलीव दैट पीपल ऑफ द सेम रिलीजन हैव कॉमन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट, और ये जो है इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ कम्युनल आइडियोलॉजी, स्टेज वन से स्टार्ट होता है, फ्रॉम विच राइजेज द नोशन ऑफ सोशो पॉलिटिकल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द रिलीजन। स्टेज टू जो होता है मॉडरेट लिबरल फेज होती है, इसमें जो है रेस्ट ऑफ द जो है रेस्ट ऑन दी नोशन दैट दी मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज लाइक इंडिया, जो इसमें सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ वन फॉलोअर्स ऑफ ना फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन आर डिसिमिलर, ना पहले फर्स्ट में था कि एक का सिमिलर रहेगा, इसमें बोला कि एक रिलीजन का डिसिमिलर एंड डाइवर्ज रहेगा फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ अदर रिलीजन, स्टेज टू आ जाता है। स्टेज थ्री जो होता है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म होता है ना, ये जो है इसमें डिफरेंट रिलीजन्स आर सीम टू म्यूचुअली इनकम्पेटिबल ना विथ एंड एंटागोनिस्टिक एंड हॉस्टाइल टू ईच अदर, और उसमें ये होता है कि अगर एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा तो एक नहीं रहेगा। दस दी कम्युनलिस्ट जो है एसर्ट दैट दी हिंदू एंड मुस्लिम कांट हैव कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट एंड दीज सेकुलर इंटरेस्ट आर बॉन्ड टू बी अपोज टू ईच अदर, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म होता है। जो कम्युनलिज्म है इज देयरफॉर अबव ऑल एन आइडियोलॉजी ऑन विच दी कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड अपॉन, और जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट बिफोर 1937 थे ना, लाइक हिंदू महासभा जो है, मुस्लिम लीग, अली ब्रदर जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ना फंक्शन विद इन दी मॉडरेट लिबरल फ्रेमवर्क, ना स्टेज टू के थे। और एक्सट्रीम जो कम्युनलिज्म होता है इज बेस्ड ऑन फियर ना और हेट्रेड एंड हैव अ टेंडेंसी टू यूज जो है वायलेंस ऑफ लैंग्वेज डीड एंड बिहेवियर अगेंस्ट पोलिटिकल अपोनेंट, ये एक्सट्रीम फॉर्म अगर हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड की अगर बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे फ्रॉम वेरी बिगनिंग फेल्ट दैट इट वॉज इंडिस्पेंसिबल, इट वॉज इंडिस्पेंसिबल टू जो है प्रोवाइड मिनिमम एजुकेशन सो एज टू क्रिएट एक मतलब एजुकेशन जो इंडिया में एजुकेशन के लिए एक इनलाइटन सेक्शन हो इन दी इंडियन सोसाइटी, एंड मोर ओवर ऑल्सो ट्रेन ब्रिटेन ब्रिटिश ऑफिसर्स इन हिंदी एंड मुस्लिम लॉज ऑल्सो, और ये इनका बैकग्राउंड था। एंड अगर स्टेज वाइज रेवोल्यूशन की बात करें तो इन दी परसुएशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मदरसा 1784 में। ऑन द सेम लाइन जोनाथन डंकन थे, इन्होंने क्रिएट किया था संस्कृत कॉलेज एट बनारस इन 1791। 1800 में वेलिजली ने सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता स्टार्ट करने का प्रपोजल रखा था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था, और उसके बाद में एक न्यू सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना था एट हेलबर्गी इन इंग्लैंड। और चार्टर एक्ट 1913 में आया, सॉरी 1813 में आया, उसमें ₹1,00,000 जो है सैंक्शन किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा टू स्प्रेड एजुकेशन इन इंडिया, एंड इट लेड टू दी डिबेट रिगार्डिंग द मोड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें दो लोग थे, ओरिएंटलिस्ट थे, एंग्लिसिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट जो थे उसमें जॉन थॉमसन वगैरह थे, दे एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज फॉर विलेज एजुकेशन। ऑन अदर हैंड जो एंग्लिसिस्ट थे वर द व्यू दैट जो है मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम ओनली। ऑन दिस क्वेश्चन विलियम बेंटिंक जो समय के वैसे रहे थे, उन्होंने अपॉइंट किया मैकाले कमेटी, एंड मैकाले कमेटी ने सपोर्ट किया इंग्लिशिस्ट व्यू को, एंड फर्दर रिकमेंडेड दैट इंग्लिश मस्ट बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाई रिप्लेसिंग पर्शियन। ओरिएंटलिस्ट में कौन कौन लोग उस समय सपोर्ट कर रहे थे, तो वॉरेन हेस्टिंग, विलियम जो है जोन्स, जोनाथन ड्यून और जेम्स थॉमसन, ये मेन ओरिएंटलिस्ट थे। इसमें विलियम जोन्स थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी भी फाउंडेशन की थी, और चार्ल्स विल्किंस एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे जो कि फर्स्ट इंग्लिश मैन थे हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता इन टू इंग्लिश। फिर अपना एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का फेज आता है, तो उसमें विलियम बेंटिंक थे वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट जो है
द मासेस कांट बी एजुकेटेड विद जस्ट ₹1 लाख ना, और इसमें केवल हम फ्यू इंडियंस को एजुकेट कर सकते हैं, और देन इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एजुकेटेड इंडियन टू टीच फर्दर मासेस ना, तो ऐसे ट्रिकल डाउन हो एजुकेशन। फिर वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, और ये चार्ल्स वुड थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय के, ये गेव अ फेमस वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। इसमें क्या रिकमेंडेशंस थे, तो एक तो इट रिकॉग्नाइज दैट एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी टू एजुकेट द मासेस, एंड इसने जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, ब्रिटिशर्स को ही एजुकेट करना होगा। एंड इट ऑल्सो क्रिएटेड द हायरार्की इन द एजुकेशन, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज से टीच करते थे, एंग्लो वर्नाकुलर एजुकेशन एट द हाई स्कूल लेवल, और हायर एजुकेशन जो है ये इंग्लिश में प्रोवाइड की जाती थी। इट फर्दर रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, ये तीनों जो है इस्टैब्लिश हुई, उसमें से बी सी चट्टोपाध्याय जो है फर्स्ट ग्रेजुएट हुए जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से निकले थे। एंड इट ऑल्सो जो है सजेस्टेड टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, एंड दिस वुड ऑल्सो कॉल्ड फॉर फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग, और एजुकेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूट मस्ट बी सेक्युलर, ये इसकी रिकमेंडेशन थे। फिर इसके बाद आता है अपना 1882 का हंटर एजुकेशन कमीशन, तो हंटर एजुकेशन कमीशन जो है ये अपॉइंट किया गया था टू रिव्यू दी इशूज रिलेटेड टू प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन, एंड इसने सजेस्ट किया वर्नाकुलर मीडियम रहे प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी डाइवर्सिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक तो आप या तो वोकेशनल ट्रेनिंग कराइए, लिटरेरी जो है सेकेंडरी एजुकेशन हो। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन ये रिकमेंड किया गया, एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है ये थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ये इंश्योर किया गया इसमें अंडर एजुकेशन कमीशन में। फिर आया अपना थॉमस रेले कमेटी 1902 में, ये जो है वायसराय कर्जन ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उसने रिकमेंड किया था इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 टू प्रोवाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और बंगाल नेशनल कॉलेज जो है इसी बीच फाउंड हुआ था 1906 में विथ अरविंदो एज इट्स प्रिंसिपल। फिर सैडलर कमीशन आता है 1917 में, ये कॉन्स्टिट्यूट किया था टू रिव्यू द फंक्शन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बट इट बेनिफिटेड अदर एजुकेशनल सेक्टर्स ऑल्सो, तो फर्स्ट टाइम जो है टू इंडियंस वर ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी, तो एक आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद ये सेटलर कमीशन के इंडियन मेंबर्स थे। इसने रिकमेंडेशन किया कि एक तो इसने ऑब्जर्व किया जो सेकेंडरी एजुकेशन है वॉज इसेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग इसने फिक्स किया, 3 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्स, और सजेस्टेड द सेपरेट बोर्ड फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, और इस्टेब्लिश किया ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन, और इसीलिए इन बिटवीन 1916 से 1921 तक 7 नई यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई, मैसूर में, पटना में, बनारस में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, ढक्का में, और उस्मानिया जो हैदराबाद में। फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1913, तो इसमें कंपल्सरी एजुकेशन वॉज रिफ्यूज बट जो है इलिटरेसी रिमूवल जो है ये एक्सेप्ट किया गया था गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1913 में। फिर हार्तोग कमीशन 1929 में आया, इसने रिकमेंड किया एक न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टेब्लिश इन, नो न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टेब्लिश इन इंडिया, और जो है जो पहले से एग्जिस्ट हैं उनकी इफिशियंसी बढ़िया की जाए। फिर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आता 1937 में, तो 1937 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था उनकी नई तालीम, ये जो है इट्स इलेबोरेट सिलेबस वॉज टू क्रिएट बाई जाकिर हुसैन, एंड इट प्रमोटेड द एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़, और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, ये जो है इसका फीचर्स, सेलेंट फीचर्स थे। फिर सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आता 1944 का, तो इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू ब्रिंग इफिशियंसी इन द हायर एजुकेशन थ्रू ऑलरेडी एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी, जैसे हार्तोल कमीशन का था उसी तरह सेम लगभग था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस अपना आता है एस राधा कृष्ण कमेटी 1947 में, ना जिनके एस राधा कृष्ण जिनके ऊपर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं जिनके याद में, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये क्रिएट हुआ था 1953 में टू रेगुलेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये जो है 1953 तक कैसे एजुकेशन जो है इंडिया में इवॉल्व हुआ ये हम लोग देख लिए। फिर एजुकेशन के बाद आता है अपना डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात करें तो बिगनिंग ऑफ प्रिंटिंग
जो है ये इंडिया में इनिशिएट किया गया था बाई पुर्तगीज इन गोवा 1957 में ना, और इट पब्लिश्ड लिटरेरी वर्क ना। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था वो बंगाल गजेटियर ना बाई जेम्स अगस्ता सिक्किन 1778। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग ब्रिटिश वर ऑफ ओपिनियन टू कप द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, एंड 1799 में विलीजली ने इनेक्ट किया था प्रेस सेंसरशिप एक्ट। और उस समय लोग अपने अपने लेवल पे बुक्स वगैरह लिखते थे, लाइक बाल गंगाधर तिलक का बुक है आर्टिक होम ऑफ वेदास ना, ये तिलक जी ने लिखा था। और अब एक्ट्स के माध्यम से देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। तो सबसे पहले अपना प्रेस सेंसरशिप एक्ट, तो प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 में आया था विलिजली के द्वारा। इसमें बोला गया था कि नो न्यूज़पेपर पब्लिश एनी आर्टिकल विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी। फिर 1823 में ब्रिटिश ऑफिसर थे जॉन एडम्स, इन्होंने इनेक्ट किया प्रेस रेगुलेशन एक्ट ना। फिर आया ही मेंटेन दैट इन केस ऑफ एनी आर्टिकल पब्लिश अगेंस्ट ब्रिटिशर इट विल लीड टू द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। और फिर जो है 1835 में जो इंडियन प्रेस जो है वॉज रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन बाई चार्ल्स मेटक्लॉफ ना, और इसीलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं चार्ल्स मेटक्लॉफ को। फिर ऑल द रिलैक्सेशन गिवन टू इंडियन प्रेस जो है इसको बाद में 1878 में ना वायसराय लिटन के द्वारा एबॉलिश कर दिया गया बाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एज पर दिस जो है द परमिशन ऑफ डायरेक्ट मजिस्ट्रेट वॉज गिवन जो है वॉज गिवन पावर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ ऑल द वर्नाकुलर प्रेस विद इन हिज जुरिसडिक्शन, एंड जो है ही वॉज अलाउड टू सीज द प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल ऑफ द प्रेस, एंड ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट ऑफ द प्रेस ना, कि प्रेस को गैग कर दिया, गला घोट दिया उसका। एंड टू इनवे जो इवेट दी कन्फिस्केशन जो आनंद बाजार पत्रिका है ना, EBP न्यूज़ जैसे जो आता है आनंद बाजार पत्रिका, ओवरनाइट शिफ्टेड इट्स पब्लिकेशन ना फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के लिए था, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं था। फाइनली जो है बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 4 साल बाद रिपील किया। एंड इन ऑर्डर टू चेक दी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट ना, जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था तो ब्रिटिश ने इनेक्ट किया टू एक्ट्स। तो एक तो जो है द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 में आया, और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया। तो इसमें जो है इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन ऑल काइंड ऑफ पब्लिकेशन ये बोला गया, एंड बोथ दिस एक्ट्स वर फुल्ली ऑपरेशनल इवन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड फाइनली ड्यू टू परसुएशन ऑफ तेज बहादुर सप्रू बोथ दी एक्ट्स वर रिपील इन 1925 ना, आफ्टर 15 साल बाद ये रिपील किया गया। फिर ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 ये लॉन्च हुआ था, इनेक्ट हुआ था टू रिस्ट्रिक्ट दी नेशनलिस्ट आइडियाज ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल 1931 में। और इंडिपेंडेंस के बाद भी एक प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट जो है ये 1951 में पास हुआ था, और ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, एंड एस एच ए कमेटी वॉज क्रिएटेड अंडर दी GS जो है राय ज्यादा, और ऑन इट्स रिकमेंडेशन जो कमेटी बनी थी अंडर हिम दी एक्ट वॉज रिपील्ड एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉर फाइनली रिस्टोर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर उनके एडिटर्स हैं लाइक स्वजेश मित्रन जो है ना, और द हिंदूज ये जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके एडिटर थे, और बंगाली न्यूज़पेपर करके आता था सुरेंद्र बनर्जी थे, और अमृता जो है बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष का न्यूज़पेपर था। ये प्रेस डेवलपमेंट हो गया। अब स्टेजेस ऑफ ना कॉलोनियलिज्म इन प्रिंसली स्टेट एंड देयर फ्रीडम मूवमेंट ये देख लेते हैं। तो इसके जो है फेजेस रहे हैं, तो अलग अलग फेजेस और स्टेज रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेज थी जो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी विद प्रिंसली स्टेट, ये 1740 से 1765 तक रहा, जिसमें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ना इन्फीयर थी प्रिंसली स्टेट के, और वो स्ट्रगल कर रही थी फॉर इक्वलिटी। तो फर्स्ट यूरोपियन टू इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट ये फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स थे ना, हम लोग देख चुके हैं। और जो डुप्लेक्स था वो फर्दर जो उनकी इसकी पॉलिसी थी लेटर इज फर्दर कंसोलिडेटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड विद 20 to 25 years दे चेंज देयर सबऑर्डिनेट स्टेटस इनटू द इक्वल टू द प्रिंसली स्टेट्स ना, आफ्टर द विक्ट्री इन कर्नाटक एंड बंगाल एरिया। ये अपना एंग्लो फ्रेंच वार हुए और जो बंगाल के बैटल ऑफ प्लासी के बाद दोनों इक्वल फुटिंग पे आ गए। तो दूसरा है पॉलिसी फेज है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो 1765 से 1813 तक चली, उसमें ब्रिटिश अथॉरिटी दे क्रिएटेड अ बफर जोन अराउंड देयर पॉलिटिकल टेरिटरी
टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर फॉरेन अटैक्स एज वेल एज फ्रॉम लार्ज इंडियन पावर्स। और इसमें जो है टू परसू दिस ऑब्जेक्टिव सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये फॉलो किया गया फेज टू में। फिर 1813 से 1857 तक ना जो ग्रेट वॉर 1857 तक तीसरा फेज आता है, फेज ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। तो उसमें क्या है कि विद अराइवल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड टू एस्टेब्लिश द ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया और ही साइंड सेपरेट अग्रीमेंट विद द प्रिंसली स्टेट और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी बट बाय क्लेमिंग ब्रिटिश अथॉरिटी ना इन पैरामाउंट ऑन सुप्रीम। तो एक तरीके से ये इसमें ब्रिटिश अब जो है इक्वल के साथ साथ ऊपर होने लगे। एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पॉलिसी टूल इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस फेज टू में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फेज थ्री में हुआ। इसकी वजह से खूब उन्होंने पिछली स्टेट एनेक्स किए। बाद में जो है 1857 क्रांति के बाद चौथा फेज स्टार्ट हुआ, फेज ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन के बाद सबॉर्डिनेट यूनियन। ये 1857 से 1935 तक था। तो उसमें ना आफ्टर ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश क्राउन ने ये बोला कि ना दे विल नो लॉन्गर ना गो विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड ब्रिटिश क्राउन विल डायरेक्टली एश्योर एज्यूम द पावर इन इंडिया। और क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद जो है ये टाइटल दिया गया, मीन्स एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया 1876। और 1921 में एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ये क्रिएट हुआ था टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट। 1927 में एक बैटलर कमीशन जो है बना टू स्ट्रीमलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड प्रिंसली स्टेट्स। पांचवा फेज ऑफ इक्वल फेडरेशन बना 1935 में, जिसमें ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हाउएवर जो प्रिंसली स्टेट का 50% ना कंसेंट चाहिए था तो मिला नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। और अगर राइट फ्रॉम 1920 द मास मूवमेंट स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट ना। तो ये तो पांच फेज हो गया जो है प्रिंसली स्टेट की कॉलोनियलिज्म का। नेक्स्ट है अपने फ्रीडम स्ट्रगल की हम लोग बात देख रहे हैं। तो 1920 से लेके ऑनवर्ड्स मास मूवमेंट स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड इन दिस रिगार्ड दे क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पोर्टुगल ऑर्गेनाइजेशन था दैट इज स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1927 में। इसमें विद द एफर्ट्स ऑफ लीडर लाइक एम एल कोठारी, जी आर अभयंकर और बलवंत राय, इन्होंने मिलकर स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बनाया 1927 में। फिर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी में जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया टू मर्ज द मूवमेंट विद जो है इन प्रिंसली स्टेट विद मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट, लेकिन ये रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ने अपॉइंट किया जवाहरलाल नेहरू को एज इट्स प्रेसिडेंट इन लुधियाना सेशन सो एज टू मर्ज इट नेशनल मूवमेंट। एंड फाइनली जो है प्रिंसली स्टेट का जो नेशनल मूवमेंट था ये मर्ज हुआ जाके अपना 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो ये प्रिंसली स्टेट्स का हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट है अपना पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट। तो पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट में सबसे पहले यूपी किसान सभा, तो ये फर्स्ट मॉडर्न पीसेंट मूवमेंट था। ये स्टार्टेड हुआ था 1918 में बाय द लीडर्स लाइक गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉन्टेड टू हाईलाइट द ग्रीवांसेस ऑफ पीसेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। After the launch of non-cooperation cooperative movement, some leaders wanted to support on this note non-cooperation movement को। तो इसके basis पे ये अवध किसान सभा इमर्ज हुई from the UP किसान सभा in 1920 which supported non-cooperation movement ना। तो ये इधर से फ्रैक्शन हो गया। अवध किसान सभा में अपना जी एस मिश्रा, गौरीशंकर मिश्रा, केदारनाथ पांडे, माता बादल पांडे, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग अवध किसान सभा में आते थे। फिर एका मूवमेंट है पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीजेंट मोबिलाइजेशन वॉज वेरी एक्टिव इन सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी लाइक अपना बहराइच, हरदोई, सीतापुर, यहाँ पे काफ़ी एक्टिव था पीजेंट मूवमेंट। तो उसमें एक लोकल लीडर थे मदारी पासी, उन्होंने इनिशिएट किया था एका मूवमेंट। ये मूवमेंट था अगेंस्ट द हाई रेट ऑफ रेंट एक्सट्रैक्शन बाई ब्रिटिशर्स एंड इंटरमीडिएटरीज, जिनको उस समय ठेकेदार्स बोला जाता था। एंड पीपल फ्रॉम ऑल दी सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी पार्टिसिपेटेड एंड दे टुक रिजॉल्व टू नॉट पे दी दिस इलीगल अमाउंट। तो इसके लिए इका रिवॉल्ट हुआ था। फिर एक पबना रिवॉल्ट है, ये द मूवमेंट अकर्ड इन दी ईस्टर्न बंगाल एरिया। दी पीसेंट ऑर्गेनाइज एग्रेरियन लीग टू रेजिस्ट द इंक्रीज रेंट बाय दी जमींदार्स एंड द मेन फॉर्म ऑफ दी स्ट्रगल वॉज लीगल रेजिस्टेंस। और आफ्टर द अपराइजिंग दी एक बंगाल टीनेसी एक्ट 1885 पास हुआ था टू प्रोटेक्ट दी टीनेट्स राइट्स। फिर एक मोपला रिबेलियन है, तो इट टुक प्लेस इन 1921
और ये जो है मालाबार एरिया ऑफ केरला है, जो नॉर्थ केरला केरला वाला पार्ट है वो मालाबार एरिया है, वहाँ पे हुआ था। जो मोपलास थे ये मुस्लिम पीजेंट्स थे एंड दे वर हैवीली डिसअफेक्टेड बाई दी हैवी रेंट कलेक्टेड बाई ब्रिटिश ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिशर्स थ्रू देयर हिंदू एजेंट, उनको पॉलीगर्स बोलते थे। और जब व्हेन मोपलास रिफ्यूज टू पे द रेंट, जो ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिया था उनके लीडर को जो थे अली मुसलियार। और इसके अलावा एक रूमर फैल गई थी कि उनकी जो फेमस मॉस्क है, मॉस्क ऑफ मुमरात ना, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो मुबला ने फिर रिवोल्ट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ कुन हमद हाजी एंड दे स्टार्टेड टू अटैक ऑन हिंदू पॉलीगर्स। और मोपला रिबेलियन जो है ये ग्रीन क्राइसिस के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसने कम्युनल ओवरटोन ले लिया था इन दी लेटर फेजेस। इसके अलावा जो है आफ्टर दी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1934 में, तो 1936 में ना, ये बाई एन जी रंगा एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती, एंड इसने विच प्रिपेयर दी किसान मैनिफेस्टो ना, उस समय ये ऑर्गेनाइजेशन सभा ने किसान मैनिफेस्टो बनाया था विच वॉज अडोप्टेड बाई दी कांग्रेस इन दी फैसपुर सेशन। उसके बाद सुरमा वैली ऑफ आसाम है, वहाँ पे करुणा सिंधु राय थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक पावरफुल पीजन मूवमेंट इन 1935। 1935 में ही उत्कल किसान सभा ने ऑर्गेनाइज किया था एक पीजन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मालती चौधरानी। और 1946 में बक्स मूवमेंट हुआ था स्टार्ट बिहार में अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती, करंदन शर्मा और राहुल संस्कृतायन। और ये बक्स लैंड के लिए था, बक्स लैंड जो थे और दोज लैंड विच ऑक्यूपाइड टीनेंट्स वर लॉस्ट टू जमींदार्स मोस्टली ड्यूरिंग द डिप्रेशन ईयर ना, बाई वर्च्यू ऑफ नॉन पेमेंट ना, तो जो ले लेते थे ये वो नहीं कर पाए, रेवेन्यू नहीं दे पाए तो हमने हड़प लिया, उसको बक्स लैंड करते थे। बक्स मूवमेंट होता 1946 में। इसके अलावा एक तिभागा मूवमेंट था, ये स्टार्ट हुआ था बंगाल में, वेयर पीजेंट रिफ्यूज टू पे दी इलीगल अमाउंट इम्पोज ऑन द ब्रिटिशर्स एज पर दी ना फ्लॉड कमीशन, एंड दे मेंटेन दैट दे विल पे ओनली 1/3 ऑफ दी लैंड रेवेन्यू ना, एंड इट वॉज द मोस्ट ऑर्गेनाइज एंड सक्सेसफुल पीजन मूवमेंट जिसमें ब्रिटिश बिफोर इंडिया ना, जिसमें ब्रिटिशर्स उनकी बात माननी पड़ी थी तिभागा मूवमेंट में। तो ये हो गया पीजेंट मूवमेंट्स। फिर जो है राइज ऑफ लेफ्ट ना, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एंड लेफ्ट लीडर्स इन इंडिया। तो जो सोशलिज्म होता है स्टार्टेड टू टेक शेप इन दी इंडिया इन दी थर्ड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी 1930s ऑनवर्ड्स, एंड द ग्रेटेस्ट इनिशियल रिप्रेजेंटेशन थे ऑफ सोशलिस्ट थॉट इन इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू। और लेटर इन 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये क्रिएट की गई थी विद द एफर्ट ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण और मीनू मसानी। और बंगाल में मुजफ्फर अहमद थे, इन्होंने ब्रॉट आउट किया था एक नवयुग पेपर ना, जो कि इसी से रिलेटेड है। और कम्युनिज्म की बात करें तो ये तो सोशलिज्म हो गया, उसका एक फिर नेक्स्ट फॉर्म कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPI, ये 1920 में फॉर्म हुई थी बाई एम एन रॉय इन ताशकंद, एंड दी फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ दिस पार्टी वॉज मेड बाई दी सत्यभक्त इन 1924 इन कानपुर। और एक दत्त ब्रैडली थीसिस है, इट प्रमोटेड द कम्युनिस्ट टू वर्क एज अ यूनाइटेड फोर्स विद इन दी इंडिया। फिर कुछ अदर कम्युनिस्ट पार्टीज हैं लाइक लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये इसमें लीडर्स थे लाइक अपना मुजफ्फर अहमद ना, जो अभी ये निकालते थे बंगाल में नवयुग पेपर ना। इसके अलावा काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार, ये सारे लीडर्स थे लेबर स्वराज पार्टी के। 1928 में वर्कर एंड पीजन पार्टी ऑफ इंडिया ये क्रिएट की गई थी विद दी फ्यूजन ऑफ दी जो है तीन पार्टी थी, एक कांग्रेस स्वराज पार्टी ऑफ बॉम्बे, कीर्ति किसान पार्टी ऑफ पंजाब एंड लेबर किसान पार्टी ऑफ मद्रास। ये तीनों जो है नॉर्थ साउथ और वेस्ट की तीन पार्टी मिला के वर्क एंड विजन पार्टी बनाई गई थी, एंड इसमें जो है उस समय के ऑल कम्युनिस्ट जो थे वर दी मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी वर्क एंड विजन पार्टी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस पार्टी, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू अचीव फर्स्ट दी कम्प्लीट इंडिपेंडेंस एंड देन अल्टीमेटली दी अचीवमेंट ऑफ सोशलिज्म। फिर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ना, ये भी 12 अगस्त 1936 में ये फाउंड हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी है।
और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया ना, ब्रिटिशर्स वर मेनली कैपिटलिस्ट एंड दे स्टार्टेड सेवरल कॉन्स्पिरेसी केस टू अरेस्ट द कम्युनिस्ट लीडर्स, लाइक पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1922 में, उसमें सेवरल कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर अरेस्टेड व्हेन दे आर ट्राइंग टू इंटर इनटू द इंडिया थ्रू पेशावर। और कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी पार्टी है 1924 की, तो इसमें चार इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर जो है अरेस्ट किए गए थे, उसमें एसए दांग, मुजफ्फर अहमद, संकट उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये चार जो लीडर्स थे। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, तो इसमें 32 प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर जो है अरेस्ट किए गए थे, इंक्लूडिंग 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स लाइक बेन जो है ब्रैडली और लेस्लर हचिनसन एंड फिलिप स्प्रैड। 1934 में व्हेन ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इलीगल, इट वॉज रीऑर्गनाइज बाई पी सी जोशी। एंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जो सी पी आई ने डिक्लेयर किया था इट टू बी अ इम्पीरियल वॉर, इम्पीरियलिस्टिक वॉर ना वर्ल्ड वॉर टू को, बट वेन जर्मनी इन्वेडेड कम्युनिस्ट रशिया सी पी आई चेंज इट्स स्टैंड एंड डिक्लेयर वर्ल्ड वॉर टू एज पीपल्स वॉर ना, अपने ही बात से पलट गए एंड सपोर्टेड ब्रिटिशर्स ना, एज सच इट वॉज डिक्लेयर्ड अ लीगल पार्टी इन इंडिया, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इसको लीगल कर दिया गया था। एंड सी पी आई डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन इंडिया, कम्युनिस्ट का देख लिया अब जो है थोड़ा सा जो है ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियन जो है फर्स्ट कॉटन मिल ये इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था इन द बॉम्बे इन 1853, और फर्स्ट जूट मिल स्टार्ट हुआ था एट रिसरा नियर कलकत्ता इन 1855, और फर्स्ट जनरल अबाउट वर्कर राइट ये था अपना श्रमजीवी पब्लिश किया जाता था बाई शशि प्रताप बनर्जी इन 1870। लेटर 1880 में एम एन लोखंडे ने एक दीन बंधु लिखा था इसी से रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स पे, एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर नोन एज बॉम्बे मिल्स एंड जो है मिलैंड एसोसिएशन इन 1891। 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये क्रिएट की गई थी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय जो आइडियोलॉजिकल बायफर्केशन स्टार्ट हो गया इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, एंड वन फ्रैक्शन वांटेड टू एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन मॉस्को एंड अदर विद द इंटरनेशनल बॉडी सिचुएटेड इन जिनेवा। उसकी वजह से दो पार्ट हो गए AITU के, एक रेड ट्रेड यूनियन, एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। 1938 में ड्यू टू एफर्ट ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जेपी नारायण, बाद में जो बोथ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज मर्ज्ड अगेन, और एक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये फॉर्म हुआ था गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक किए थे उस समय, और एक फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में ये वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन एंड द पर्पज ऑफ विटली कमीशन। विटली कमीशन था वॉज टू रिपोर्ट द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर्स एंड टू मेक रिकमेंडेशंस। तो ये कुछ जो है अपने इवेंट्स है रिलेटेड टू ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। फिर हम लोग कम्युनिज्म देख लीजिए, अब कैपिटलिस्ट क्लास इन इंडिया, तो कैपिटलिस्ट क्लास का कैसे रहा हिस्ट्री में, तो कैपिटलिस्ट क्लास स्टार्टेड टू इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट गेव ह्यूज इम्पेटस टू द इंडियन मैन्युफैक्चर इन एरियाज लाइक कॉटन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वर्ल्ड वॉर वन के समय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एज वेल एज कॉटन बेनिफिटेड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश गुड, वहाँ पे वॉर हो रहा था तो अपना यहाँ थोड़ा सा इनको बेनिफिट हुआ। इसके अलावा जो टाटा एलिंग टाटा स्टील इंडस्ट्री थी ना, उसको एक तरह से लाइफ लाइन मिली विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रेल वेगन्स ऑफ मेसोपोटामियन कंपेन ऑफ ब्रिटिशर्स। बोथ स्वदेशी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर नॉट सपोर्टेड बाई द मेजर कैपिटलिस्ट इन इंडिया, और आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट After the non-cooperation movement, the capitalists divided to create their own organization, decided to create their own organization in 1927. 1927 में पहली बार इनका खुद का capitalist का organization बना, that is अपना FICCI, Federation of Indian Commerce and Industry. And this FICCI was soon recognized by British government as well as Indian public as a representative of Indian capitalist class. इसमें जो लीडर्स थे जो फिक्की के इनिशियल, उसमें पुरुषोत्तम टंडन, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी डी बिरला, जॉन मथाई और अरदेसिर दलाल, ये कैपिटलिस्ट लीडर्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या था फिक्की का, तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो इन मासेस,
फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट टू नेशनलिस्टिक मूवमेंट हो अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी ना, ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। इन्होंने बॉम्बे मैनिफेस्टो बनाया था 1936 में, तो साइंड बाय 21 बिजनेसमैन ऑफ बॉम्बे ऑन एंटी सोशलिस्ट आइडियाज़। इसके अलावा बॉम्बे प्लान था 1944 में, कैपिटलिस्ट केम ऑफ विथ दिस बॉम्बे प्लान वेयर बाय दे डिक्लेयर देयर एक्सटेंसिव सपोर्ट टू द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बैंक इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंप्रेहेंसिव लैंड रिफॉर्म एंड सीरीज ऑफ वर्कर वेलफेयर स्कीम। ये 1944 में बॉम्बे प्लान। फिर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, एनी बेसेंट और मैडम भीखाजी कामा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनी बेसेंट इन होम रूल मूवमेंट और भीखाजी कामा जो है जो फ्रीडम स्ट्रगल इन अब्रॉड वाले टॉपिक में। और कौन सी फीमेल्स थी, तो इसमें मातंगनी हजरा और सुनमनस बूढ़ी गांधी ये थी, एंड शी वॉज दी ओल्ड लेडी फ्रॉम द बंगाल। शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड शी वॉज जेल्ड फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उन्होंने 6,000 सपोर्टर्स का पोजीशन लीड किया था एंड मार्च टुवर्ड द पुलिस स्टेशन ऑफ तमलुक। ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया था कई राउंड पे इनके ऊपर, एंड शी फाइनली टुक हर लास्ट ब्रेथ विद द वर्ड ऑन हर लिप वंदे मातरम। फिर कनक लता पर हुआ, बीरबाला भी बोलते हैं इनको, तो ये जो है गोमपुर आसाम से बिलोंग करती थी। इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ऑर्गेनाइज किया था रैलीज इन द गोमपुर एंड शी वॉज शॉट डाउन बाई ब्रिटिशर्स एंड शी वॉज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। फिर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, शी वॉज दी कैप्टन ऑफ आज़ाद हिंद फौज की जो रानी झांसी रेजिमेंट थी, एंड ड्यूरिंग द INA ट्रायल शी वॉज इम्प्रिजेंट एंड ओनली टू बी रिलीज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सोशल रिफॉर्मर्स थी, एजुकेटर थी और कल्चरल एक्टिविस्ट थी। मंगलोर से ओरिजिनली बिलोंग करती थी। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इन इंडिया टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर अरुणा आसफ अली, तो शी वॉज बॉर्न एज अरुणा गांगुली, बाद में उन्होंने आसफ अली थे उनसे शादी की थी 1928 में, और शी वॉज एन एजुकेटर एंड पॉलिटिशियन एंड ही थॉट एज जो है ये अपना पढ़ाती थी गोखले मेमोरियल ऑफ कोलकाता एंड ड्यूरिंग सोल सत्याग्रह शी वॉज अरेस्टेड एंड इवन आफ्टर गांधी इम्पैक्ट शी वॉज नॉट रिलीज्ड। 9 अगस्त 1942 में शी होस्टेड इंडियन फ्लैग एट जो है गोवालिया टैंक बॉम्बे एंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट शी ऑर्गेनाइज दी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज लाइक एंड कांग्रेस रेडियो। फिर सुचेता कृपलानी, तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट शी वॉज वन ऑफ दी ऑर्गेनाइजर ऑफ दी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज एंड कांग्रेस रेडियो। और पार्टीशन के समय में जो नागखोली में काफ़ी वायलेंस हुआ था वहाँ पर गांधी जी ने विजिट किया था, उनको एकम्पनी किया सुचेता कृपलानी जी ने, एंड शी वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ UP ना इन द पीरियड ऑफ 1963 से 1967। फिर सरोजिनी नायडू, शी वॉज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड शी रोट पोएम्स इन ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज एंड द मोस्ट फेमस पोएम जो इनकी है ये है बाजार ऑफ हैदराबाद। एंड उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट सब में पार्टिसिपेट किया है। एंड इन्होंने धरसाना शॉर्ट मार्च भी लीड किया था एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ जो है फर्स्ट फीमेल तो इन्हीं प्रेसिडेंट है फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1925 में बनी थी। एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट दैट इज अगेन UP इन 1947 से 1949 के पीरियड में। तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन दी फ्रीडम स्ट्रगल। और इसी के साथ हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्री हिस्ट्री का कम्प्लीट सिलेबस बना हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो UPSC का सिलेबस है ये हम लोग कवर करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें, कुछ सजेशन हो तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और अपना जो भी पीयर ग्रुप है जहाँ पे सब लोग मिलके पढ़ते हैं तो उसमें काइंडली शेयर ताकि नॉलेज बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए, बाय।